हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेक माय एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीटी। दोस्तों, रोज की तरह आप सभी का स्वागत है आपके शो के अंदर, जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेकअप शो विद कुमार संभव। तो 12 जून की क्लास में आप सभी का स्वागत है, और अपने अंदाज में मैं आप सभी को विश करता हूँ गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार। जल्दी से हमारे साथ जुड़िए और चलते हैं इस करंट अफेयर्स की सफर की तरफ, जहां पर हमें बहुत कुछ सीखना है और सिखाना भी है। और नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, बिजनेस, बैंकिंग, फाइनेंस, अग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स की बातों को जानते हुए, इंपॉर्टेंट खबरों को जानते हुए, समझते हुए शो की अंत की तरफ चलेंगे, जहां पर आज के सेशन को रिवाइज भी करेंगे क्विज के मीडियम से, क्विज के माध्यम से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में। 12 क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रही है, जो आपके सेशन को बेहतर तरीके से रिवाइज करा सकती। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना है, नोट डाउन करना है, और भी लोगों को अपने साथ जोड़ना है, और भी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को अपने साथ जोड़ना है, जिससे वो ये इस लाइव स्ट्रीम का फायदा उठा सके। तो समय को जाया नहीं करेंगे, चलते अपनी पहली खबर की तरफ। बहुत सारी खबरें हैं, उसको हम जरूर पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और अंत में क्विज के माध्यम से उसको रिवाइज भी करेंगे। पहली खबर आपके सामने, नेशनल न्यूज की पहली खबर, वीके सिंह फ्लैग्स ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा। वीके सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को ध्वजांकित किया, रवाना किया। तो ये देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा दो जगहों से होती है, एक सिक्किम से, एक उत्तराखंड से, और पहले जत्थे को उन्होंने, कैलाश मानसरोवर की यात्रा चाइना में होती है, चीन में होती है, बहुत ही धार्मिक यात्रा है हिंदुओं के लिए। तो यहाँ पर वीके सिंह जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया, ध्वजांकित किया, और मतलब रवाना किया उस जत्थे को उत्तराखंड और सिक्किम से। ये होता है, इसकी डिटेल में जाते हैं और करते हैं इस चीज को। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर वीके सिंह क्या है, विदेश राज्य मंत्री। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, सुषमा स्वराज। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर कौन है, वीके सिंह। हैज फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ 3 month लॉन्ग कैलाश मानसरोवर यात्रा 2018 इन न्यू दिल्ली। 3 महीने की यह यात्रा है जिसको फ्लैग्ड ऑफ किया। द यात्रा विल कंटिन्यू टिल द 8th of September 2018। देर आर टू रूट्स फॉर द यात्रा, वन थ्रू लिपुलेख पास इन उत्तराखंड, विच इन्वॉल्व सम ट्रेकिंग आल्सो। तो जो सबसे पुराना वाला रास्ता है, जिसको बहुत पहले डेवलप किया गया था, उत्तराखंड के अंदर है, लिपुलेख पास, लिपुलेख दर्रा, और कुछ ट्रेकिंग है, मतलब कुछ आप कह सकते हैं एडवेंचर भी है रास्ते में। और द अदर रूट इज थ्रू नाथुला दर्रा, नाथुला पास इन सिक्किम, विच इज मोटरेबल, मतलब गाड़ी काफी दूर तक जा सकती है, और काफी समतल वो एरिया है, काफी प्लेन वो एरिया है, एंड सुटेबल फॉर सीनियर सिटीजन्स हु अनेबल टू अंडरटेक ऑर्डर्स ट्रेकिंग। जो ट्रेकिंग नहीं कर सकते, जो एडवेंचर नहीं कर सकते, जो इतना ज्यादा चढ़ाई नहीं कर सकते, तो वो नाथुला पास को चुनते, सिक्किम को चुनते, जिसको कुछ वर्ष पहले चाइना और इंडिया के समझौते के बाद स्टार्ट किया गया था। तो आगे चलते हैं और जानते हैं क्विक फैक्ट्स ऑफ उत्तराखंड और सिक्किम के बारे में। तो उत्तराखंड की कैपिटल इज देहरादून, गवर्नर इज कृष्णकांत पॉल, चीफ मिनिस्टर का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में है, राजा जी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क्स कहां पर हैं, उत्तराखंड के अंदर हैं। उत्तराखंड वॉज फॉर्म्ड ऑन 9 November 2000 एज द 27th स्टेट ऑफ इंडिया व्हेन इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश। तो जब उत्तर प्रदेश से कटकर बना था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, और ईयर 2000 में बना था। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ उत्तराखंड। देन बात करेंगे क्विक फैक्ट ऑफ सिक्किम। सिक्किम कब फाउंड हुआ था, 16 May 1975। और अगर आपसे कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा जाए, संविधान का क्वेश्चन पूछा जाए, पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था सिक्किम को, तो योर आंसर वुड बी 36th Amendment 1975, 36वां संशोधन 1975 सिक्किम को अंदर किया गया था। देन कैपिटल गंगटोक, डिस्ट्रिक्ट 4, गवर्नर श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल, चीफ मिनिस्टर पवन चैमलिंग, जो SDF पार्टी से बिलोंग करते हैं। एनिमल अगर बात करें, रेड पांडा इज द स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड इज ब्लड फीजेंट, ट्री रोडोड्रेन और कंचनजंगा, द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक इज द स्टेट्स हाईएस्ट पॉइंट। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है वो कहां पर स्थित है, सिक्किम के अंदर। नाथुला पास जो भी हमने किया वो भी सिक्किम के अंदर, और कंचनजंगा नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क, वो भी सिक्किम के अंदर स्थित है। और इसके अलावा सिक्किम बिकम्स द फर्स्ट ऑर्गेनिक, फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब सिक्किम हमारे भारत का पहला राज्य बना जहां पर ऑर्गेनिक खेती जो है
पूर्ण रूप से स्टार्ट की गई फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। देन उसके अलावा अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया विच टचेज इंडिया फ्रॉम वन साइड। मतलब सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारत को ही एक तरफ से छूता है, बाकी तीन ओर से विदेशों को टच करता है, नेपाल, भूटान और चाइना। तो एक तरफ किससे टच करता है वो, तो वेस्ट बंगाल से ही टच करता है। तो यहां पे क्विक फैक्ट्स ऑफ सिक्किम उत्तराखंड जाना। सेकंड न्यूज की तरफ चलेंगे और इसी तरह से आपको क्या करना है, तो आज के इस लाइव स्ट्रीम को, इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके, और जितने भी नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े उन सभी को अगेन गुड मॉर्निंग। और नेशनल न्यूज की अगली खबर की तरफ चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्चेस रेल मदद एंड मेनू ऑन रेल मोबाइल एप्स। तो दो मोबाइल एप्स को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एक का नाम है, एक ऐप का नाम है रेल मदद, मदद का मतलब हेल्प, और मेनू ऑन रेल मोबाइल एप्स। तो केंद्र ने रेल मदद और मेन्यू ऑन रेल मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। तो इसी खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो देखते हैं इस खबर के बारे में। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज लॉन्च्ड टू मोबाइल एप्लीकेशंस टू ईज द ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस। द टू एप्स रेल मदद एंड मेनू ऑन रेल्स वर लॉन्च बाय रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट मनोज सिन्हा ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज टू हाईलाइट द अचीवमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री इन द लास्ट फोर ईयर्स। तो चार वर्षों का पूरा लेखा जोखा दिया इस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कि हमने इन चार वर्षों में क्या किया, और इसके बाद इन्होंने रेल मदद ऐप और मेन्यू ऑन रेल्स ऐप को लॉन्च किया। तो रेल मदद ऐप के अंदर आप अपनी कंप्लेंट्स को इस ऐप के माध्यम से कहीं भी रजिस्टर करवा सकते हैं, और मेन्यू ऑन रेल्स जैसा इसका नाम है मेन्यू, तो आप कभी भी अपने फूड का ऑर्डर कहीं से भी दे सकते हैं। तो ये ऐप जो है, एक तो आपके कंप्लेंट को रिजॉल्व करेगा, आपके ग्रीवियंसेस को रिजॉल्व करेगा, और दूसरा आपके खाने की प्रॉब्लम को भी ये ऐप जो है वो दूर करेगा। तो व्हाइल रेल मदद विल इनेबल ट्रैवलर्स टू लॉज कंप्लेंट्स और मेन्यू ऑन रेल्स विल फैसिलिटेट सीमलेस ऑर्डरिंग ऑफ फूड, द मिनिस्टर स्टेटेड। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष has been created with a corpus of 1 lakh crore rupees for making additional funds available for safety related works। और इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, तो यहाँ पे एक ट्रेजर फंड बनाया गया 1 lakh crore का, जहां पर रेलवे और रेलवे से जुड़ी हुए तमाम सेफ्टी के अंदर जो है उन सभी इश्यूज को डील किया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली रेलवे सेफ्टी को लेकर रेलवे राष्ट्रीय मतलब नेशनल रेलवे संरक्षा ट्रेजरी कोष के अंदर कितने करोड़ का या कितने रुपए का एक फंड क्रिएट किया गया है फॉर रेलवे सेफ्टी। तो योर आंसर वुड बी 1 lakh crore। तो आगे चलते हैं और अगली खबर की तरफ, नेशनल न्यूज की अगली खबर। इंडिया इज द सेकेंड हाईएस्ट सेंडर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन यूएस। भारत अमेरिका में विदेशी छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा प्रेषक देश है आफ्टर चाइना। नंबर वन पे सबसे ज्यादा विदेशी स्टूडेंट्स यूएस जो पढ़ने आते हैं वो कौन से देश से आते हैं, चाइना से। उसके बाद नंबर आता है भारत का, हमारे इंडिया का। देन इसी खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। विद 1,86,000 इंडियन स्टूडेंट्स currently studying in the United States, India is the second highest center of foreign students to the US, next only to China. US Consul General in Kolkata, Craig Hall, stated that US is the top destination for foreign students worldwide and the number of Indian students in the US has more than doubled in the last 10 years. So, antim 10 varshon ke andar, hamare yahan par Craig Hall, jo US General Consul the, Kolkata mein bol rahe the, कि लास्ट 10 वर्षों के अंदर भारतीयों की संख्या जो है वो डबल हुई है यूएस के अंदर पढ़ने के लिए जो भारतीय जाते हैं। और उन्होंने कहा कि यूएस जो है सबसे टॉप डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए जो यूएस को चुनते हैं पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं, नेशनल न्यूज की अगली खबर। नॉर्दर्न रेलवेज टू मॉनिटर क्लीनलीनेस ऑफ ट्रेन्स यूजिंग व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप ग्रुप का एक बेहतरीन उपयोग करेगा इंडियन रेलवे और ट्रेनों की सफाई की निगरानी करेगा उत्तरी रेलवे। मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जहां पर सभी तरह के लोगों को अटैच करके, मतलब रेलवे से जुड़े हुए अधिकारियों को अटैच करके उनके सफाइयों के कामों को मॉनिटर किया जाएगा, उसकी निगरानी
की जाएगी। इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। द नॉर्दर्न रेलवेज विल नाउ मॉनिटर द क्लीनलीनेस ऑफ इट्स ट्रेन यूजिंग व्हाट्सएप ग्रुप सुपरवाइज बाय सीनियर ऑफिशियल। और सुपरवाइज कौन करेंगे, निगरानी कौन करेंगे, सीनियर अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। एवरी डिपार्टमेंट बीट पेंट्री बेड रोल एटसेट्रा विल हैव सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप इन विच स्टेटस रिपोर्ट ऑफ क्लीनलीनेस विल बी अपलोडेड ऑन अ डेली बेसिस। व्हाट्सएप ग्रुप हैव बीन क्रिएटेड फॉर ट्रेन एंड पेंट्री क्लीनलीनेस बेड रोल्स एंड फंक्शनैलिटी ऑफ एयर कंडीशनर्स इन ट्रेन्स। फोटोग्राफ are being uploaded in these groups for monitoring by senior officials. तो देखिए WhatsApp का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल real time photographs जो है वो send किए जा सकते हैं groups के अंदर कि सफाई किस स्तर की है, किस level की, तो एक बेहतरीन उपयोग जो है रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा। तो क्वेश्चन देखिए यहां से कैसे बन सकता है, तो पूछा जा सकता है कि व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल स्वच्छता अभियान के लिए, क्लीनलीनेस के लिए हमारे इंडिया में से किस डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है, तो रेलवे डिपार्टमेंट आपका आंसर हो सकता है। वो कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, चार सरकारी डिपार्टमेंट का ऑप्शन आपके सामने दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए रिसेंटली ये इनिशिएटिव पहल कौन से डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, तो योर आंसर वुड बी रेलवे डिपार्टमेंट और रेलवे डिपार्टमेंट का नॉर्दर्न रेलवे। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्विक फैक्ट्स ऑफ इंडियन रेलवे, फाउंडेड ऑन 8 मई 1845, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। पीयूष गोयल इज द मिनिस्टर ऑफ रेलवे, रेल मंत्री। अश्वनी लोहानी चेयरमैन रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, अश्वनी लोहानी। इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, यात्री ट्रेन कौन सी थी, बिटवीन बॉम्बे एंड ठाणे इन 1853। एंड गतिमान एक्सप्रेस करंटली द इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन विच वॉज लॉन्च इन 2016। तो गतिमान एक्सप्रेस जो है अपने नाम से ही सबसे गति वाला ट्रेन है, सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया का करंटली, जो 2016 में लॉन्च हुआ था। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ, नेशनल न्यूज की अगली खबर। MET का मतलब है मिटीरियोलॉजिकल, मिटीरियोलॉजिकल का मतलब होता है मौसम विभाग। तो मिटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू यूज फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम फॉर फर्स्ट टाइम टू फोरकास्ट फ्लड। बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए पहली बार फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम का उपयोग करेगा मौसम विभाग। तो फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम जो है एक अनोखा सिस्टम है जिसके अंदर क्या किया जाता है, तो बाढ़ की जो एक भविष्यवाणी की जाती है, प्रिडिक्शन की जाती है स्थानीय लोगों को, जहां पे बाढ़ आने की आशंका बहुत होती है, जहां पर फ्लड आने की आशंका बहुत होती है, वहां पर उन लोगों को, फ्लैश का मतलब क्या होता है, जहां पर बाढ़ अचानक से आ जाए, जहां पर बाढ़ अचानक से आ जाए वहां पर अलग अलग सिग्नल्स का इस्तेमाल करके, अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करके लोगों को जागरूक किया जाता है, अवेयर किया जाता है कि भैया बाढ़ आने वाली है और आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएं और जिससे जान माल का नुकसान जो है वो ज्यादा ना हो। तो ये फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम जो है इसको अमेरिका बहुत अच्छे से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर चुका है और इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडिया का मौसम विभाग जो है, मिटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इसको यूज करेगा। तो आगे चलते हैं, इंडियन मिटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट विल यूज फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री टू फोरकास्ट फ्लड्स। करंटली द सेंट्रल वाटर कमीशन इश्यूज फ्लड वार्निंग। तो यहां पर इससे पहले कौन यूज करता था इस चीज को, तो केंद्रीय जल आयोग जो है, सेंट्रल वाटर कमीशन जो है इस वार्निंग को इशू करता था, लेकिन अब इन वार्निंग को फ्लैश फ्लड गाइडेंस के सिस्टम से, फ्लैश फ्लड वार्निंग के सिस्टम से कौन इशू करेगा, तो IMD इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसे इशू करेगा। देन नेशनल वेदर एजेंसी इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च दिस सर्विस फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव बीन स्टडीड टू फाइंड आउट हाउ अब्सॉर्बेंट ईच वेराइटी वॉज। और हर तरह की मिट्टी का स्टडी की जाएगी कि वो किस तरह से अब्सॉर्ब करता है उन पानी को और उसके बाद बाढ़ को रोकने के लिए वो सहायक सिद्ध होता है। और देखिए कई ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है तो बाढ़ के आने की संभावना होती है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी, कई ऐसे एरियाज भी होते हैं जहां पर बारिश ना भी हो तो भी बाढ़ आ जाती है। तो किस तरह से, तो अपस्ट्रीम, अगर ऊपर के लेवल के ऊपर बारिश हो रही हो तो निचले मैदानी इलाके में अचानक बाढ़ आ जाती है, और ऐसे ही बाढ़ों को जो अचानक आ जाए उसको फ्लैश फ्लड कहा जाता है, जिसके लिए वार्निंग इशू करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहां पर इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है पहली बार इस चीज को इशू करेगा। देन IMD के बारे में क्विक फैक्ट्स आपके सामने, तो क्विक फैक्ट्स ऑफ IMD इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इन 1875 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द IMD। कंदूरी जयराम रमेश इज डायरेक्टर जनरल ऑफ IMD और द हेड ऑफिस ऑफ IMD इज इन न्यू दिल्ली। तो उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली। कंदूरी जयराम रमेश इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ IMD और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1875 में। अगली खबर की तरफ चलेंगे और अगली न्यूज है आपके सामने, CSIR लैब टू गिव
टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस लिथियम इन बैटरी प्रोजेक्ट CSIR, भारत की पहली स्वदेशी लिथियम ऑयन बैटरी परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि फॉर द फर्स्ट टाइम हम जो है इंडिजीनियसली लिथियम इन बैटरी जो है वो डेवलप कर रहे हैं, और इंडिया इस तरह का टेक्नोलॉजी, इस तरह की प्रौद्योगिकी, इस तरह की तकनीक जो है पहली बार इस्तेमाल कर रही है। भारत के अंदर लिथियम इन बैटरी सिस्टम जो एसिड बैटरी सिस्टम से बड़ा अच्छा सिस्टम है, जहां पर विदाउट वायर जो है इसको चार्ज किया जा सकता है, और तमाम सोलर एनर्जी के अंदर और एफिशियंट एनर्जी के अंदर इसका उपयोग जो है एक अच्छे लेवल पे किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण को भी ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो यहां पर CSIR जो है, सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है, इस चीज की खोज कर रहा है, उनके साइंटिस्ट इस चीज की खोज कर रहे हैं, और भारत में पहली बार इस तरह के स्वदेशी तकनीक के साथ लिथियम इन बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर हो सकती है आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेंट्रल इलेक्ट्रो केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CECRI कराईकुडी तमिलनाडु अंडर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड रासी सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंडियाज फर्स्ट लिथियम इन ली इन बैटरी प्रोजेक्ट। अ ग्रुप ऑफ CSIR एंड सेक्री हेडेड बाय डॉक्टर गोपू कुमार has developed an indigenous technology of lithium ion cells in partnership with CSIR National Physical Laboratory, New Delhi, CSIR Central Glass and Ceramic Research Institute, Kolkata, and Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad. So CSIR or SECRI has set up a demo facility in Chennai to manufacture prototype lithium ion cells. तो आपको क्या याद रखना है, बहुत सिंपल सी तकनीक, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट लिथियम ion बैटरी सेल्स जो है किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, CSIR के द्वारा इसको यूज किया जा रहा है, और पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। तो क्विक फैक्ट्स ऑफ CSIR, तो CSIR का फुल फॉर्म आपको बता दिया, फाउंडर कौन थे इसके, आरकॉट रामास्वामी मुदालियर, आरकॉट रामास्वामी मुदालियर इज द फाउंडर ऑफ CSIR। स्टैब्लिश कब हुआ था, 26 सितंबर 1942। चेयरमैन कौन होते हैं CSIR के, ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ CSIR, और डायरेक्टर जनरल कौन है अभी एट प्रेजेंट करंटली, गिरीश साहनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, अगली खबर की तरफ चलेंगे, नेशनल न्यूज की अगली खबर, इंडिया फर्स्ट नेशनल पुलिस म्यूजियम टू कम अप इन दिल्ली, दिल्ली में बनेगा देश का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय। तो फर्स्ट पुलिस म्यूजियम, नेशनल पुलिस म्यूजियम कहां पर आएगा, दिल्ली के अंदर आएगा। तो यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट, इसी तरह से अगर आपको आज का न्यूज और आज का सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और लाइव स्ट्रीम में जुड़िए। कुछ खबरों के बाद हम चलेंगे आपके फेवरेट जोन की तरफ, दैट इज क्विज, तो जल्दी से हमारे साथ जुड़िएगा, और आपके कमेंट्स और व्यूज बहुत मायने रखते हैं, वो भी देते रहिए, और जरूर आपकी तरफ भी हम आएंगे और जरूर आपके साथ भी बातचीत करेंगे। द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट नेशनल पुलिस म्यूजियम इन लुटियंस दिल्ली। लुटियंस दिल्ली क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिल्ली और जो मॉडर्न दिल्ली है, जो आज का दिल्ली है, और जो आप लोग पुरानी बिल्डिंग्स देखते हो दिल्ली का, तो वो उसे किसने, एक अंग्रेज ने डिजाइन किया था जिनका नाम था लुटियंस, तो इस वजह से लुटियंस दिल्ली बोलते हैं, लुटियन की दिल्ली बोलते हैं। तो लुटियंस दिल्ली, द यूनिक म्यूजियम डिपिक्टिंग द हिस्ट्री, आर्ट फैक्ट्स, यूनिफॉर्म्स एंड गियर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पुलिस फोर्सेज विल कम अप एज एन अंडरग्राउंड फैसिलिटी इन द प्रीमिसेस ऑफ द नेशनल पुलिस मेमोरियल इन चाणक्यपुरी एरिया ऑफ द नेशनल कैपिटल। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, इंडिया का फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ऑन पुलिस जो है वो कहां पर सिचुएट हो रहा है, कहां पर स्टार्ट होगा, तो अक्टूबर 21 को इसका उद्घाटन किया जाएगा, 21 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा, किनके द्वारा, और ये 21 अक्टूबर को क्या होता है, तो ओकेजन ऑफ पुलिस कॉमेमोरेशन डे, पुलिस यादगारी दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, बाय प्राइम मिनिस्टर, या तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इनका उद्घाटन किया जाएगा। तो नेशनल पुलिस म्यूजियम कहां पर है, दिल्ली चाणक्यपुरी। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है अगला न्यूज, और इंटरनेशनल सेगमेंट आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है आज किससे मिलने वाले हैं, तो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन से मिलने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर, तो देखिए यहां पर इंटरनेशनल न्यूज की अगली खबर, डोनाल्ड ट्रंप मीट्स सिंगापुरियन पीएम, होप्स नाइस आउटकम फ्रॉम समिट विथ किम,
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के बीच कल होने वाली, मतलब कल का मतलब ये कल न्यूज रात को फॉर्म किया था, तो कल का मतलब आज, तो आज ये मिलेंगे। मंडे को ये बैठक हुई है, आपको तस्वीर में दिख रहे सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के राष्ट्रपति, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो आज मुलाकात होगी, बहुत ही पॉपुलर ये मीटिंग होने जा रही है सिंगापुर के अंदर। तो सिंगापुर एक न्यूट्रल वेन्यू बना है, न्यूट्रल स्थान बना है, जहां पर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर, नॉर्थ कोरिया के किंग किम जोंग उन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सिंगापुर। तो सिंगापुर के पीएम, सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो है वहां पर मुलाकात करेंगे। तो ये बहुत ही पॉपुलर मीटिंग हो सकती है, जहां पर दूरियों को, तलखियों को और जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी बाय दीज टू लीडर्स अलॉन्ग विद सिंगापुरियन पीएम। तो यहां पर सिंगापुर के पीएम के साथ भी इन्होंने मुलाकात करी कल। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन मंडे होप दैट अ नाइस आउटकम कुड बी रीच फ्रॉम व्हाट ही सेड वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मीटिंग विद नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन ऑन ट्यूसडे। ट्रंप मेड द रिमार्क्स एट वर्किंग लंच विद सिंगापुरियन प्राइम मिनिस्टर ली शियन लूंग एट द प्रेसिडेंशियल पैलेस इस्ताना आफ्टर देयर बायलेटरल मीटिंग ड्यूरिंग विच द टू लीडर्स डिस्कस्ड एवरीथिंग फ्रॉम द समिट प्रिपरेशंस टू द यूएस टैरिफ थ्रेट्स। ही आल्सो थैंक्ड हिज सिंगापुर होस्ट फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। तो मेजबानी करने के लिए सिंगापुर का धन्यवाद भी किया। और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, ली शियन लूंग इज द पीएम ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर का क्विक फैक्ट्स कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। और ये आज मीटिंग होगी और आज जो भी बातचीत होगी, जो भी इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाएंगे, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उसे हम जरूर कल के करंट अफेयर्स द वेकअप शो में पेश करेंगे। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के जो किंग हैं, उनकी मुलाकात कहां पर हुई, उनकी मीटिंग कहां पर हुई, तो सिंगापुर के अंदर उनकी मीटिंग हुई। अगली खबर की तरफ चलते हैं और ये न्यूज जो है, उन्होंने बोला कि चेयरमैन किम ऑन संडे हेल्ड अ मीटिंग विद पीएम ली, ही थैंक्ड सिंगापुर होस्टिंग द समिट एज इफ इट वॉज देयर ओन फैमिली अफेयर। और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने भी यही बात कही कि सिंगापुर के पीएम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी जगह को चुना और वो इस तरीके से उस मामले में दखल कर रहे हैं जैसे उनके परिवार का, सिंगापुर का ये मामला हो, तो उसके लिए हम उनके तहे दिल से धन्यवादी हैं कि उन्होंने अपनी जगह पर हमें बुलाया। और बहुत ही सुरक्षा के चाक चौबंद पाबंद जो है वहां पर किए गए हैं, जिससे कोई भी चूक ना हो सके वहां पर। और इंटरनेशनल न्यूज की अगली खबर, मॉरिशस, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, मॉरिशस टू होस्ट 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। मॉरिशस में होगा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 3 साल में एक बार, वंस इन अ 3 ईयर। तो 3 साल में एक बार वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो होस्ट किया जाता है अलग अलग जगहों पे। और इस साल का ये समिट जो है, ये कॉन्फ्रेंस जो है, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 11th, वो कहां पर होगा, मॉरिशस में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। और देखिए, 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस और विश्व हिंदी सम्मेलन विल बी हेल्ड एट मॉरिशस पोर्ट लुइस, मॉरिशस के कैपिटल पोर्ट लुइस में ये होगा। द डेट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस आर 18 to 20 August, 18 से 20 अगस्त तक ये होगा, एंड विल बी हेल्ड एट स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। द इवेंट हेल्ड वंस इन 3 ईयर्स, तो 3 सालों में एक बार होता है, इज डेडिकेटेड टू हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज को डेडिकेट करने के लिए ये हिंदी कॉन्फ्रेंस किया जाता है। इट सीज पार्टिसिपेशन फ्रॉम हिंदी स्कॉलर्स, राइटर्स, लॉरियट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हु कॉन्ट्रीब्यूट टू द लैंग्वेज। तो बहुत अलग अलग लेखकों को, कवियों को और हिंदी के बड़े बड़े महारथियों को यहाँ पर इन्वाइट किया जाता है, जहाँ पर वो अपनी बात को रखते हैं कि हिंदी और हिंदी को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। द प्रीवियस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन भोपाल इन 2015 और लास्ट कॉन्फ्रेंस 2015 में हुआ था भोपाल, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। और मुझे अभी भी याद है कि 2015 के जितने भी पेपर्स हुए थे, उन सभी एग्जाम्स के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो मॉरिशस एजुकेशन मिनिस्टर लीला देवी दोखून लोचुमन एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज ऑन ट्यूसडे रिलीज द लोगो ऑफ 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस एंड द वेबसाइट ऑफ द इवेंट। तो वहां पे लोगो और वेबसाइट दोनों को लॉन्च किया गया। और लोगो वॉज डिस्क्राइब्ड बाय मॉरिशस एजुकेशन मिनिस्टर एज द इमेज ऑफ अ शिप स्ट्रगलिंग टू कीप सेलिंग इन द वॉटर इज सिमिलर टू व्हाट द डिफिकल्टीज हिंदी इज फेसिंग टूडे। तो यहां पर लोगो जो है, लोगो के अंदर एक शिप है जो समंदर के अंदर बहुत मशक्कत के साथ सेल कर रहा है, तैर रहा है, जहां पर उस समंदर को और उस शिप को क्या बताया गया है, शिप को बताया गया हिंदी, और हिंदी भी आज की डेट में बहुत मशक्कत कर रही है, बहुत डिफिकल्टीज फेस कर रही है। तो लोगों उसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, SSC जैसे पेपर के लिए हायर लेवल के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट
वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1975 इन नागपुर और इनागुरेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. तो दैट टाइम इंदिरा गांधी पीएम थी और 1975 नागपुर में उन्होंने पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आयोजित किया था और उसके बाद इस तरह के 10 कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं और 11th कॉन्फ्रेंस जो है 18 से 20 अगस्त 18 टू 20 अगस्त मॉरिशस के पोर्ट लुइस में होगा. और इसी के साथ क्विक फैक्ट्स ऑफ मॉरिशस, कैपिटल इज पोर्ट लुइस, नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश फ्रेंच, प्रेसिडेंट बार्लेन व्यापारी, प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ, करेंसी इज मॉरिशियन रूपी. आगे चलते हैं डिफेंस की न्यूज की तरफ. धनुष इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस आर्टिलरी गन, धनुष भारत की पहली स्वदेशी तोपखाना बंदूक. तो तोपखाना स्वदेशी तोपखाना बंदूक जो है आर्टिलरी जो है आर्टिलरी गन इंडिजीनियस धनुष. आपको तस्वीर में दिख रहा है कि किस तरह का ये गन है जिसको पोखरण में इस्तेमाल किया गया. पोखरण में इसका टेस्ट किया गया. 38 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसका और धनुष आपको नाम जो है वो जरूर याद रखना चाहिए. तो इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन धनुष हैज पास इट्स फाइनल टेस्ट एट पोखरण, पाविंग द वे फॉर इट्स इंडक्शन इन टू द इंडियन आर्मी. तो रास्ता और साफ हो गया जब इसका सफल परीक्षण हुआ पोखरण के अंदर कि इंडियन आर्मी में इसको शामिल किया जा सकता है. धनुष इज अ 155 मिलीमीटर इंटू 45 मिलीमीटर कैलिबर आर्टिलरी गन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द देसी बोफोर्स. इसको देसी बोफोर्स भी कहा जाता है. इट हैज अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 38 किलोमीटर एंड 81% ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट्स आर इंडिजीनियसली सोर्स्ड. और मोर देन 80% जो है इसका जितना भी सोर्स है वो इंडिजीनियसली मतलब स्वदेशी निर्मित किया गया है. तो आपको नाम क्या याद रखना है, धनुष नाम याद रखना है. अगली खबर की तरफ चलते हैं, अपॉइंटमेंट की न्यूज की तरफ. अरविंद सक्सेना अपॉइंटेड एक्टिंग यूपीएससी चीफ. अरविंद सक्सेना यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जन लोक सेवा आयोग जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो है उनके कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं. विनय मित्तल जिन्होंने अपना टर्म पूरा कर लिया था वो अब रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह पर ऑफिशिएटिंग मतलब एक्टिंग जब तक नए अपॉइंट नहीं होते तब तक अरविंद सक्सेना जो है यूपीएससी के चेयरमैन बने रहेंगे. तो यूपीएससी मेंबर अरविंद सक्सेना हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द कमीशन फ्रॉम जून 20 अ गवर्नमेंट ऑर्डर सेट. सक्सेना अ 1978 बैच इंडियन पोस्टल सर्विस ऑफिसर विल टेक ओवर द चार्ज फ्रॉम इनकम्बेंट विनय मित्तल हु कंप्लीट्स हिज टर्म एट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ऑन जून 19. तो विनय मित्तल रिटायर हो जाएंगे 19 जून को और 20 जून से अपना पदभार कौन संभालेंगे, अरविंद सक्सेना जो एक्टिंग होंगे कार्यवाहक होंगे और जब तक न्यू अपॉइंटमेंट नहीं होती है तब तक अरविंद सक्सेना यूपीएससी के चेयरमैन बने रहेंगे. और क्विक फैक्ट्स ऑफ यूपीएससी, तो आज देखिए एक चीज आपको और अनाउंस कर देता हूं कि आज 10 बजे की क्लास 10 o'clock लाइव क्लास के अंदर मैं इंडियन पॉलिटी का इंपॉर्टेंट कमीशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंपॉर्टेंट कमीशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कराऊंगा जहां पर इसकी बात भी जरूर करूंगा. यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो अलग अलग कमीशंस चाहे वो यूपीएससी की बात हो, फाइनेंस कमीशन की बात हो, चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी वुमेन या ट्राइबल की बात हो, हम सभी चीजों की आज हम बात करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा. लेकिन क्विक फैक्ट्स ऑफ यूपीएससी जो है अभी भी जान लेते हैं. द यूपीएससी इज अ 10 मेंबर बॉडी बिसाइड्स अ चेयरपर्सन. इट्स करंटली कंप्राइजेस चेयरपर्सन एज पर आर्टिकल 316 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट. किसके द्वारा अपॉइंट और रिमूव किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 316 के अंदर. इन केस द ऑफिस ऑफ चेयरमैन बिकम्स वेकेंट हिज ड्यूटीज शैल बी परफॉर्म्ड बाय वन ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन एज द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट फॉर द पर्पस. और अगर कोई खाली हो जाता है पोस्ट तो प्रेसिडेंट के द्वारा मेंबर्स में से किसी को भी चेयरमैन बनाया जा सकता है. द टर्म ऑफ यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स इज 6 years और 65 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर. तो यहां पर इनका टेन्योर कितना होता है, 6 साल या 65 साल, जो भी पहले आ जाए वो उनका टेन्योर होता है. देन क्विक फैक्ट्स ऑफ यूपीएससी की बात करें तो आर्टिकल 320 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कमीशन इज रिक्वायर्ड टू बी कंसल्टेड ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट. तो देखिए सिविल सर्विसेज के जितने भी पोस्ट हैं उसकी भर्ती किस तरह से होगी, तमाम चीजों का कंसल्टेशन जो है वो केंद्रीय गवर्नमेंट के साथ करता है. द कमीशन कंडक्ट्स ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एनुअली इन 3 stages, प्रिलिमिनरी, मेन एंड इंटरव्यू टू सिलेक्ट ऑफिसर्स फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, IPS और IFS और अमंग अदर्स जितने भी एग्जाम से उसको कंडक्ट करता है यूपीएससी.
स्पोर्ट्स की अगली खबर सिमरन, तो स्पोर्ट्स न्यूज ये आखिरी सेगमेंट है, उसके बाद हम चलेंगे क्विज की तरफ। तो सिमरन और रितिका विन मॉरिशियस ओपन वुमेन्स डबल्स। तो सिमरन और रितिका जो भारत की रहने वाली हैं और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, नई खिलाड़ी हैं, जो उभरती हुई खिलाड़ी हैं, सिमरन और रितिका ने मॉरिशियस ओपन महिला युगल जो है, महिला डबल्स जो है, उसको जीता है। तो ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, इनका नाम पेपर में पूछा जा सकता है। तो यंग इंडियन वुमेन्स डबल्स पेयर ऑफ सिमरन सिंघी एंड रितिका ठाकर क्लिंच दियर सेकेंड इंटरनेशनल टाइटल बाय बीटिंग अमीनाथ नबीहा अब्दुल रजाक एंड फातिमा नबीहा अब्दुल रजाक ऑफ मालदीव्स इन द मॉरिशियस सीनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट इन मॉरिशियस। तो दोनों का नाम जरूर याद रखेगा, सिमरन और रितिका। और आगे चलते हैं स्पोर्ट्स की आखिरी खबर की तरफ, आज की आखिरी न्यूज की तरफ, इसके बाद बढ़ चलेंगे क्विज की तरफ। तो फॉर्मूला वन, वेटल क्लेम्स 50th विन एंड गोस टॉप इन टाइटल रेस। तो वेटल ने 50वीं जीत दर्ज करी अपने करियर की और खिताब की दौड़ में शीर्ष पर है ये। और वेटल, सेबेस्टियन वेटल की बात हम कर रहे हैं, जो पहले रेडबुल की टीम से खेलते थे, लेकिन फॉर्मूला वन में अब किसके लिए ड्राइवरी करते हैं, फेरारी, बहुत ही फेमस, जिसके लिए माइकल शुमाकर भी ड्राइवरी कर चुके हैं फॉर्मूला वन में। उनके अब ड्राइवर कौन है, फेरारी के सेबेस्टियन वेटल, जिन्होंने रिसेंटली एक टूर्नामेंट जीता है, कैनेडियन ग्रैंड प्री को जीता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैनेडियन ग्रैंड प्री को किसने जीता है फॉर्मूला वन, जहां पे बहुत तेजी से कार भगाई जाती है, तो फेरारी टीम के सेबेस्टियन वेटल ने इसको जीता, और सेबेस्टियन वेटल का ये करियर का 50वीं जीत थी। आगे चलते हैं कीप काम एंड लेट्स प्ले क्विज की तरफ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और यहां पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन, चलिए तो बहुत खूब, यहां पर आप सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए और इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, 12 क्वेश्चन हैं आपके सामने। फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल अनाउंस कमेटी फॉर रिकमेंडेशन ऑन सेटिंग अप एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC फॉर फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ बैड लोन्स, हु विल हेड दिस कमेटी। तो वित्त मंत्री, देखिए आप हैरान मत होइएगा, पीयूष गोयल रेलवे मंत्री भी हैं और अरुण जेटली बीमार चल रहे हैं, और तब तक, जब तक बीमार चल रहे हैं, तब तक पीयूष गोयल उनकी जगह पे वित्त मंत्री बने हैं। तो वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अशोध्य ऋण की तेजी से समाधान के लिए संपत्ति पुनर्गठन कंपनी की स्थापना पर सिफारिशों के लिए समिति की घोषणा करी है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे, आने वाले SBI PO और क्लर्क के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बहुत खूब, थैंक यू सो मच फॉर माय एप्रिसिएशन। और इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, उससे हमें और हमारी टीम को बहुत ऊर्जा मिलती है, जिससे हम लोग बहुत R&D करके आपके सामने यहां पर आते हैं। और बहुत खूब, यहां पर आप सभी स्टूडेंट्स का उत्तर, और इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। और 91 व्यूअर्स, अभी टेक्निकल टीम ने दिखाया कि करंटली 91 व्यूअर्स जो है हमें वॉच कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं नर्वस 90 में ना आउट हूं और आप इसे 100 कर दीजिए। मतलब आपको क्या करना है, तो आपको अपने दोस्तों, अपने सहयोगियों, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज सुनील मेहता इज द करेक्ट आंसर, सुनील मेहता इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच इंडियन रेल बॉडी विल मॉनिटर द क्लीनिनेस ऑफ इट्स ट्रेन्स यूजिंग व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का उपयोग करके कौन सी भारतीय रेल निकाय अपनी ट्रेनों की सफाई की निगरानी करेगा, दिल्ली मेट्रो, सदर्न रेलवेज, नॉर्दर्न रेलवेज या कोची मेट्रो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मंजीत दलाल, नवल किशोर, अंकिता सिंह, संजू मीना, अवेश साहू, जयराम, संतोष, अमन, राहुल, सीमा, हरजिंदर, चिलक, संजू मीना, निमता भगत, हरजोत कौर संधु। आप सभी का बहुत बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन यहां पर, और इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। और बिल्कुल संजू मीना जी जरूर आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप सभी के द्वारा आ चुका है यहां पे, और सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली नॉर्दर्न रेलवेज इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच कंट्री इज द सेकंड हाईएस्ट सेंडर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन US। अमेरिका में विदेशी छात्रों का दूसरा सबसे ज्यादा प्रेषक कौन सा देश है, चाइना, इंडिया, जापान या UK। और थर्ड क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है स्टूडेंट्स के द्वारा आना शुरू हो चुका है। और इसी तरह से नंदिनी चौबे, सीमा वर्मा, पप्पू कुमार, पंकज, राहुल, ज्योति रंजन, राहुल, संजू, त्रिलोक, अमन, बबूल, प्रेरणा, और आप सभी यहां पर बहुत खूब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और थर्ड क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है आप सभी के द्वारा आना शुरू हो चुका है। मतलब आज का सेशन जो है आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना है, तो बहुत खूब। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज इंडिया इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एक्टिंग UPSC चेयरमैन। नए लोक सेवा आयोग अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अरविंद सक्सेना, भीमसेन बस्सी,
एस भोसले या सुजाता मेहता, और राहुल घोष आप सभी यहाँ पे, ऋषभ सिंह, पंकज कुमार, तुषारा कांता मिश्रा, अकोम कुजुम डंग, कौशल लोलौरी, रोशन त्रिपाठी, चलिए बहुत खूब। और फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो भी आना शुरू हो चुका है, निधि भाटिया, अमन लाहौरिया, संतोष, बहुत खूब, अंकित राघव, मंजीत, अंकिता, ज्योति रंजन, दिव्या यादव, बहुत बढ़िया। और फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली अरविंद सक्सेना इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए अरविंद सक्सेना। फिफ्थ क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट पुलिस म्यूजियम विल कम अप इन विच सिटी। भारत का पहला पुलिस संग्रहालय किस शहर में बनेगा, पुणे, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। और बहुत बढ़िया आप सभी का पार्टिसिपेशन, इसी तरह से जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करते रहिए। एंड वी हैव 7 मोर क्वेश्चन, 7 और क्वेश्चन है आपके सामने, और उसके बाद आज के सेशन का अंत करेंगे। 10 o'clock जरूर मिलिएगा हमारे साथ इंडियन पॉलिटी की क्लास में, जहां पर इंपॉर्टेंट कमीशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो यूपीएससी की बात हो, चाहे वो फाइनेंस कमीशन की बात हो, चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी की बात हो, तमाम उन बातों के बारे में जानेंगे, और उससे पहले आपका आंसर भी जानेंगे। और न्यू दिल्ली इज द वेरी करेक्ट आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज न्यू दिल्ली, बिल्कुल सही। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वेयर विल बी द 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस विल हेल्ड, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा, मॉरिशस, मालदीव, भूटान या नेपाल। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन, कुलजीत सिंह, त्रिलोक, पंकज, ऋषभ, प्रशांत, आप सभी बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और छठे क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है आप सभी के द्वारा यहां पर आना शुरू हो चुका है। और चलिए, तो आप लोगों का राइट आंसर यहां पर बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आज के सेशन को सुना है। इसी तरह से लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। इनकी तरफ इंडिया विल सून स्टार्ट, बहुत बढ़िया यहां पर आप सभी का उत्तर आ रहा है। और सातवें क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप सभी दे रहे हैं, और सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर इज लिथियम इयॉन बैटरीज। सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी। आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते, हु वॉन द कैनेडियन ग्रैंड प्री 2018, फॉर्मूला वन का कैनेडियन ग्रैंड प्री किसने जीता है। सातवें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आया आप लोगों का, लिथियम इयॉन बैटरी वॉज द करेक्ट आंसर फॉर सेवेंथ क्वेश्चन। नाउ वी आर ऑन एट क्वेश्चन, तो आंसर दीजिएगा, फॉर्मूला वन कैनेडियन ग्रैंड प्री किसने जीता, तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा, इज इट वी वोटास, एम वेरस्टैपेन, सेबेस्टियन विटल या लुइस हैमिल्टन। तो आठवें क्वेश्चन का भी राइट आंसर आना शुरू चुका है, बिल्कुल सही आप सभी का उत्तर, और सेबेस्टियन विटल इज द करेक्ट आंसर। एट क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज सेबेस्टियन विटल। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हु वॉन द मॉरिशियस इंटरनेशनल डबल पेयर टाइटल इन बैडमिंटन टूर्नामेंट। मॉरिशियस इंटरनेशनल डबल्स जोड़ी खिताब किसने जीता, जो कि एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। तो नौवें क्वेश्चन का जल्दी से उत्तर दीजिएगा, अश्वनी पोनप्पा, रितिका ठाकर, सिमरन सिंघी एंड रितिका ठाकर, रितिका ठाकर एंड पारुपल्ली कश्यप, या सिमरन सिंघी एंड अपर्णा पोपट। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा नौवें क्वेश्चन का। तो बिल्कुल आठवें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर दिया आप सभी ने। अब हम आ चुके हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर वाज सेबेस्टियन विटल, लेकिन अब आपको आंसर देना है नौवें क्वेश्चन का। और ठीक यहां पर आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर जो है, नौवें क्वेश्चन का उत्तर जो है वो भी आना शुरू हो चुका है, बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन यहां पर। और नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली बी, सिमरन सिंघी एंड रितिका ठाकर इज द करेक्ट आंसर। दसवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और टेंथ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेम द इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन विच इज रेडी फॉर इंडक्शन आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग इन ऑल वेदर कंडीशन। भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की तोप खाने बंदूक का नाम दे, जो सभी मौसम स्थितियों में सफल परीक्षण के बाद प्रेरण के लिए तैयार है। अर्जुन, धनुष, रक्षक या पिनाका। और दसवें क्वेश्चन का भी सही उत्तर आना शुरू चुका है। नौवें क्वेश्चन का आप सभी का आंसर बी वाज द करेक्ट आंसर, सिमरन और रितिका इज द करेक्ट आंसर। दसवें क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, और ठीक बहुत बढ़िया यहां पर आप सभी स्टूडेंट का आंसर, अमन, मंजीत, अवे, बबूल, अंकित, दीपक, सीमा, कौशल, मधुस्मिता, शशांक पांडे, ऋषभ सिंह, हरजिंदर, सुनीता कुमारी, हरजोत कौर संधू, आप सभी का, निधि भाटिया, निमता भगत, आप सभी का उत्तर जो है बहुत सही है। और दसवें क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली धनुष इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत बढ़िया यहां पर आप सभी का पार्टिसिपेशन, तो बिल्कुल सही आप सभी स्टूडेंट्स का यहां पर पार्टिसिपेशन चल रहा है। और यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो लैपटॉप कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम जरूर ठीक करेंगे। और दसवें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आप सभी ने दिया है यहां पर, तो धनुष इज द करेक्ट आंसर। टेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर इज
धनुष, बिल्कुल सही। तो 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर डज द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जल्दी से, ये देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है लेकिन हायर लेवल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। और 10वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर दिया आप सभी ने, लेकिन धनुष वॉज द राइट आंसर। लेकिन अब आपको आंसर देना है 11th क्वेश्चन का, और 11th क्वेश्चन का भी राइट आंसर आना शुरू हो चुका है। नागपुर इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, दैट इज नागपुर। 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 12th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। Who has been appointed as non-executive part-time chairman of Bandhan Bank? तो Bandhan Bank के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? HR खान, SK सिन्हा, इमरान सईद या अनुराग मुखर्जी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 2015 में बंधन बैंक नया बैंक बना था, प्राइवेट बैंक बना था। तो बंधन बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन कौन है जो आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? तो बिल्कुल सही, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI HR खान को बनाया गया है गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष, जो बिल्कुल इसको बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है बंधन बैंक का। तो बहुत ही शानदार आप सभी का पार्टिसिपेशन रहा, और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी के साथ एक मोटिवेशनल कोट के साथ आपको हम अलविदा कहेंगे। 10 बजे जरूर मुलाकात होगी, और इसके ठीक बाद वोकैब डोज के साथ जरूर जुड़िएगा। तो वी कैन नॉट बिकम व्हाट वी नीड टू बी बाय रिमेनिंग व्हाट वी आर। तो हम तब तक उससे अच्छा नहीं बन सकते हैं जो हमें, मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम जो है आगे चलकर हमें क्या हासिल करना है और अभी हम क्या हैं। तो हमें अभी की भी अहमियत पता होनी चाहिए, अभी की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, और आगे अगर हमें आभास है कि हमें क्या है तो डेफिनेटली हम जो है सक्सेसफुल होंगे। तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।